जाबाजों पर बरसे जावेद बियादात, बोले फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। दुनिया भर में क्रिकेट को काफी पसंद किया जाता है, लेकिन पिछले काफी वक्त से सट्टेबाजी क्रिकेट में बढ़ती जा रही है, जिस वजह से इस खेल को बदनामी झेलनी पड़ती है। सट्टेबाजी पर लगाम लगाने के लिए सभी देश सख्त है। पाकिस्तान में पिछले कई सालों से स्पॉट फिक्सिंग के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद बियादाद ने सट्टेबाजों को फांसी पर चढ़ाने की बात कही है। पाकिस्तान में सट्टेबाजी के मामले बढ़ते देख जावेद बियादाद ने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। उनका कहना है कि स्पॉट फिक्सिंग से जुड़े लोगों को फांसी देनी चाहिए, क्योंकि स्पॉट फिक्सिंग करना किसी को मारने के समान है, इसीलिए सजा भी उसी तरह की होनी चाहिए। अगर ऐसी सजा दी जाती है तो ये एक उदाहरण होगा और कोई दोबारा इस तरह का अपराध करने की नहीं सोचेगा। मियादाद का कहना है कि जो अपने देश और साथी खिलाड़ियों के साथ गद्दारी करता है उसका अपराध माफी के लायक नहीं है। जावेद मियादाद ने यूट्यूब चैनल पर कहा, जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने माँ बाप और परिवार के साथ सही नहीं होते, वो जो करते हैं वो गलत है। ऐसे लोग आध्यात्मिक तौर पर गलत करते हैं, इन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। साथ ही कहा, ये खिलाड़ियों को आसान लगता है कि पहले वो इस तरह का गलत काम करे, वो पैसा कमाए और टीम में आसानी से वापसी कर ले, लेकिन ये गलत है। खिलाड़ियों को मैदान में बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहिए।